कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले को बताया कायराना, कहा किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए संदिग्ध। एनआईए समेत दूसरी एजेंसियां सच तलाशने में जुटी, नक्सल एंगल से भी हो रही है जांच। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी में 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के ऐलान में महायुति ने मारी बाजी, बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों का किया ऐलान। अभी तक सीट शेयरिंग में फंसा महाविकास आघाड़ी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को झटका, समाजवादी पार्टी के एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की सीट पर नहीं लड़ेगी चुनाव। नहीं थम रहा है विमानों को बम से उड़ाने वाली धमकियों का सिलसिला। बीते एक हफ्ते में अभी तक 100 से ज्यादा विमानों को मिली बम की धमकी। रविवार को लगभग 20 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हवाई हमला, बैंक और कई इमारतें तबाह की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के किए दर्शन। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुकेश अंबानी का किया स्वागत। मुकेश अंबानी ने दोनों तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का दान किया। पतंजलि गोल